नमस्ते, मैं हूँ सुप्रिया। आपका स्वागत है मेरे किचन में, यानी कि सुप्रिया इजी मील में। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ इंस्टेंट पोटैटो पिकल की रेसिपी, जो इंस्टेंटली हम बना सकते हैं घर में। आप इसको पोटैटो सैलड भी बोल सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप साइड डिश के तौर पर इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इंस्टेंट पोटैटो पिकल कैसे बनाते हैं। ये बॉयल पोटैटो ले लिया हमने मीडियम साइज़ के, 7 बॉयल पोटैटोस। और यहाँ पर थोड़ी सी गार्लिक ले लिया हमने पील करके, 8-10 क्लोव्स होंगे। और 1 कप हमने मूली ले लिया है, इसको ऐसे पतले पतले फिंगर्स में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नींबू लिया है, 2 नींबू लिया हमने। और 5-6 ग्रीन चिलीज लिया है, इसको बीच से ऐसे स्लिट कर लिया है। इसको पूरा कट नहीं करना है, इसे ऐसे स्लिट कर लेना है। यहाँ पे हरे मटर लिए हैं 1 कप, इसको मैंने रात भर भिगो करके रख लिया था, तो भीगे हुए मटर हैं 1 कप। और यह है अलसी का पाउडर 2 टेबल स्पून। अलसी को हमने ड्राई रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है, 2 टेबल स्पून अलसी का पाउडर है। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल है, इसको हम मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। और रेड चिली पाउडर हम 1 टी स्पून यूज़ करेंगे। 1/2 टी स्पून हल्दी का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। और 1/4 टीस्पून मेथी दाना यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है गैस के ऊपर। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल हमारा थोड़ा गर्म हो जाए, फिर इसमें हम गार्लिक डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम गार्लिक डाल देते हैं और मेथी दाना भी डाल देंगे। मेथी को थोड़ा सा ब्लैक होने तक इसको हम पका लेंगे। लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और मेथी को पकने देते हैं। अब इसमें हम ग्रीन चिली डाल देते हैं। थोड़ा सा भून लेंगे हम। तेल को मीडियम लो पे ही रखना है। इसमें हम हरे मटर को डाल देंगे। मटर को थोड़ा सा हम भून लेते हैं। आप चाहें तो कच्चे मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बॉइल्ड मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इससे पहले मटर को हमने फ्राई कर लिया, बस 2 मिनट के लिए फ्राई करना होता है इसको। अब इसमें हम आलू को रफली क्रश करके डाल देंगे। हाथों से इसको रफली क्रश कर लेंगे। सारे आलू को हमने इसमें डाल दिए हैं रफली क्रश करके, तो मिला देते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम हल्दी का पाउडर डाल देते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। नमक भी डाल देते हैं साथ में। इसको मिक्स करके हम बस 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है। हम यहाँ पे कच्चे मूली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको भी भून सकते हैं। मूली को थोड़ा सा इसमें भून सकते हैं डाल के। हम यहाँ पे कच्चे मूली का इस्तेमाल करेंगे।
इसको बस दो मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, दो तीन मिनट के लिए। हमने इसको दो तीन मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब इसको हम एक बोल में डाल के ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। चलिए इसको बोल में निकाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम बाकी के प्रोसेस करेंगे। चलिए इसको पहले हम ठंडा करते हैं। हमारा ठंडा हो चुका है अच्छी तरह से आलू का मिक्सचर। अब इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। यहाँ पे हमने लेमन जूस को निकाल के रख लिया है। हमने आपको दिखाया था कि दो लेमन हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी 1.5 यूज़ कर रहे हैं, हाफ छोड़ दे रहे हैं। देखेंगे, हम ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर खट्टा रहेगा तो नहीं डालेंगे, अगर नहीं रहेगा तो हम और डालेंगे। तो आप भी चेक करके डालें। तो अब बाकी की चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। इसमें अलसी का पाउडर डाल देते हैं और ये मूली डाल देंगे हम इसमें। रेड चिल्ली पाउडर भी डाल देते हैं और लेमन जूस डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम इसको। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बस 1 टेबल स्पून के जितना। ये ज़्यादा ड्राई अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम थोड़ा सा मॉइस्ट बनाएंगे इसको। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इंस्टेंट अचार है ये। आप इसको साइड डिश के तौर पर बना सकते हैं। इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाते हैं आपको। ये हमारा बन करके तैयार है। अब इसमें हम टेस्ट किया है, नींबू बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम नहीं डाल रहे। आप भी इसको चेक कर लें, नमक नींबू अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और होली स्पेशल गर्मा गर्म मालपुए के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। इसको किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, पूरी के साथ, मालपुए के साथ, राइस के साथ, साइड डिश पे आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इस अचार को बनाइए और कैसे बनते हैं अपने अनुभव को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।